कार्तिक मास में जो पराया अन्न नहीं खाते, दूसरों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत का भी फल प्राप्त होता है। इस महीने में लोगों को बहुत संयम पूर्वक जमीन में सो के उल्टा पुल्टा ना खाएं। जो शराब पीते हैं शराब ना पिए और उल्टा पुल्टा खाते हैं वो ना करें, तो यह महीना उनको शुभ कर देता है, कल्याण कर देता है। कार्तिकेय बर्ज्यान मासम संधानांच विशेषतः, कार्तिक के महीने में नॉनवेज मांसाहार को निषेध किया गया। लिखा है राक्षसी यो निपार्नोति सत्क्रामांसंस्तवक्षणात्, निश्चित रूप से वो राक्षस योनि को प्राप्त होते हैं जो कि ये उल्टा पुल्टा खाते हैं। जीव हत्या न हो। प्रवक्ता नाम तो भक्षा नाम कार्तिकेय नियम एक कृते अवश्यम विष्णु रूपत्वम प्राप्ते मोक्ष दंतकम। कार्तिक का महीना यदि ठीक से निकाल लिया जावे, बढ़िया तरह से निकाल लिया जावे, साधना के साथ निकाल लिया जाए, परहित परमार्थ के साथ में निकाल लिया जावे, तो निश्चित रूप से जीव का कल्याण है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, जीवात्मा का कल्याण है उसमें। भोजनम द्वज दंपत्यो पूजनम च विलेपन कम्बला निचरात नहीं निवासिसम विविधानि च। एक समय भोजन कार्तिक के महीने में नहीं, तो आप उपवास करके ये पूरा का पूरा महीना निकालें। ज्यादा से ज्यादा साधना भजन ये करें। कार्तिक मास में विशेषतः मध्य के ऊपर इसके विरोध में बहुत शब्द बहुत श्लोक कहे गए हैं। वर्णन किया गया है कि पूरा महीना आप जमीन पर सो सकें तो जमीन पर सोइए। कार्तिक में सूर्य उदित होने से पहले स्नान कीजिए, बाल्टी में गंगा जल डाल करके स्नान करें। दामोदराग्रे देवर से गौ सहस्र फलम लवेत नदी स्नानम कथा विष्णु वैष्णवानाम आंच दर्शनम। वर्णन किया है कि इस महीने में भगवान दामोदर की पूजा करने से कार्तिक मास इतना शुभ हो जाता है। लिखा है गौ सहस्र फलम, हजार हजार गौदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, इतनी बड़ी महिमा है। कार्तिकेय मुनि शार्दूला लक्ष कोटि गुणम भवेत प्रयागो माघ मासे तु पुष्करम कार्तिकेय तथा। इस महीने में कार्तिक के महीने में पुष्कर प्रयाग की श्रीधाम की यात्रा करना बहुत शुभ माना गया। बैसाख के महीने में अवंती माधव, माधव महीना होता है बैसाख का महीना, अवंती यानी उज्जैन, ये लिख लीजिए। बैसाख के महीने में उज्जैन की यात्रा, माघ के महीने में श्री प्रयाग की यात्रा और कार्तिक के महीने में पुष्कर की यात्रा को बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है, बहुत ज़्यादा ही शुभ बताया है। कार्तिक पूर्णिमा का तो पुष्कर में बहुत बड़ी उसकी महिमा का वर्णन किया है, बहुत बड़ा उसका महत्व बताया। ये कुर्वंत नरो नित्याह प्रत्यर्थम हरि पूजनम, इस महीने में जो नित्य हरि और हर का पूजन करते हैं तारता तैश पितरो निरकाशन संशया, उनके पूर्वज तर जाते हैं, उनके पितर तर जाते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं।